अपने आप कटाई नहीं बोली सकते बोली मैडम बोलते जम्मू यूनिवर्सिटी मैडम ने यही बोलना होगा दो दिन जम्मू की गल सुनो सर फिर एक दो बच्चे लेके जाओ मुलाकात कराओ 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 बच्चे ज्यादा एंट्री में जाओ बाहर एंट्री देना पड़े नहीं तो बच्चे घर बाहर जो है वो बड़ा स्विमिंग पूल थोड़ी रस्ता है कल दिखे उधर छड़ा पानी है भर्ती पानी ठहरो नी चाचा ठहरो नी कोई नी बच्चा अंदर जाग ना बाहर आग ना बाहर आग जाओ क्लास लगाओ टीचर क्लास लगा रहे हैं जाओ लगा गर्मी ठंडा पानी पीने मिलने को मिलना चाहिए ना एडमिशन फीस दे रखी है हमने फ्री तो हम पढ़ नहीं रहे यहाँ पे जो काम कराने वाला कॉलेज ग्राउंड में जाके देखो घास किला किला चढ़ा है क्या बात हुई है आपने बोला कि मैं करके आता हूँ आपने बोला जिले बार को करा था नहीं 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 आईडी कार्ड थोड़ा दे दे तो आपके एड करवा दे।
जमीन जमान तो लेने दो यार आउटसाइडर बंद होने खुद भी चाहने की आउटसाइडर बंद होने पर गल ए है कि सानू लास्ट डेट कुसे भी टीचर ने नहीं बोलिया कि महाराज अज तुसी कल नहीं पाई आगे तो तुसी एंट्री नहीं देनी अज कुसे भी बच्चे ये नहीं पता कि अहीं आने आ ते सानू यूनिफॉर्म दे कारण रोका जाना एक तरीका होंदा कि कुसे रोका जाना कि महाराज अज तुसी यूनिफॉर्म पाइए नहीं आगे तो तुसी रोकी देना चाहना तो मैं चाहना कि जेकर इन्हें बच्चे ही बिना यूनिफॉर्म दे कारण रोके तो जेड़े बच्चे बिना यूनिफॉर्म दे अंदर गए वो केड़े बबे दे पुत्र ने जाओ कोई बड़े पॉलिटिशियन दे पुत्र जिन्हें अंदर बाड़ी दिता गया असी कोई इंजन है सानू कह नहीं एंट्री दी गई जेकर कानून है तो सारे ही बराबर ने जेकर जेडे बिना यूनिफॉर्म दे अंदर ने उन्हें भी बाहर कटे जा साडे आले लेखा जियां आही स्टूडेंट सारे दी नजर है सामने बराबर ने वो भी बराबर ने उन्हें भी बाहर कटे जा ये गल नहीं है कि जेड़ा 10 रुपए वाली गड्डी आता वो बाहर खड़ो है ते जेड़ा पहला आओ अंदर बढ़िया जा इन जा बाहर यूनिफॉर्म बोलते अभी भी बारह दला लाई देना कोई टीचर कोई प्रोफेसर अगर यही गल है नी तो कोई बच्चा नहीं उठेगा तो बारह दला लगी आग ना इलेक्शन होने देंगे ना कख होने अंदरे जो काम कराने ला नहीं देंगे मेने कोई लाशेट नहीं जल्द मन किया गेट बंद करी था अगर अं गेट बंद कर रहे बनाए ना तो प्रोफेसर अंदर ही रहे फिर जा रहे सब तो बड़ी गल है दिल्ली पार्किंग पार्किंग कोई है नहीं है जिधर मन करो तो मोटरसाइकिल लाई चलिए जिधर मन करो तो गड्डी लाई चलियो ये प्रोफेसर की पार्किंग है उसकी पार्किंग है कॉलेज साडा प्रोफेसर का कोई लास्ट डेट कोई नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं थी पहले सुनाना चाहिए ना कि अच्छा लास्ट डेट है इन्नी तरीक को बाद यूनिफॉर्म पाई नहीं आगे कोई बच्चा एंटर नहीं कर देना आई डी कार्ड मिले नहीं आउटसाइडर कहते बंद हो आउटसाइडर रोज आउटसाइडर अंदर आए होंगे जो स्टूडेंट होगा खज्जल होते कि बच्चे क्लासा लगने वाली हैं जिन्हें क्लासा लानी क्लासा ला दो कि बच्चा भी दौड़ यूनिफॉर्म अंदर है वो बाहर नहीं कटना कख नहीं प्रोवाइड हो गया कोई कख नहीं होगा आई डी मिलनी चाहिए आपका सवाल मेरे पास है आप कह रहे हैं आउटसाइडर कोई नहीं आता आउटसाइडर यूनिफॉर्म डाल के नहीं जीडीसी के आउटसाइडर अंदर रहता अंदर बैठी नहीं देना क्लास लाने का पता नहीं कख लाने का पता और इनका जो मन करता है तीसरे दिन फंक्शन होता अभी पिछले मंथ भी इनका फंक्शन हो रहा था इन्होंने हमें बताया कि आज हमारा फंक्शन है आपकी क्लास नहीं होगी हमने कहा कोई बात नहीं आधे घंटे बाद मैम आके हमें बोलती है आज फंक्शन जो कैंसिल हो गया आपकी क्लास आज नहीं होगी फंक्शन जो है कल होगा इसका मतलब हमारी कल भी क्लास नहीं होगी तो हम ऐसे हो गए फिर हमारा हो जाता सेमेस्टर जरा मेन काम करना होगी कर रहे पढ़ाने वाला कोई पता नहीं जी डी सी जरा बच्चा जी डी सी मिलने का पछताता है किन्ना चिर एडमिशन अभी तक एडमिशन नहीं मुक्का दी मजाक है कोई मजाक है कोई अभी तक बच्चे नहीं पता कि क्लास कुछ लगती कुछ नहीं लगती जेड़ा काम करने वाला करना नहीं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लास्ट लेनी यूनिफॉर्म लेनी दो महीने रही है हम यूनिफॉर्म पाई आई नहीं दो महीने लगी जाते साड़ी बार यूनिफॉर्म एक हफ्ता यूनिफॉर्म देखो सबसे पहले यूनिफॉर्म आप खुद बताओ कौन सा इनसे आपको स्टूडेंट की लगती है ये जहाँ ऐसी लगते हैं जैसे आई टी आई की हो जहाँ जो जो सर्वे कमी आता है एल एस सी भाई एल एस सी करवा लो ऐसी यूनिफॉर्म हम इनको बोला था ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट करो हम डेली पहन के अगर नहीं पहना बाहर निकाल देना
जी हमारी बात नहीं मान रहे थे, दूसरी बार हम कहते हैं आउटसाइडर आ जाते हैं। लाइब्रेरी कार्ड इनका एक महीनों के अभी तक इनका लाइब्रेरी कार्ड इशू नहीं हुए हैं। आउटसाइडर कैसे आते हैं, वहाँ से इनकी दीवारें टूटी हुई हैं, हॉस्टल से इनकी दीवारें टूटी हुई हैं, जगह जगह से इनकी दीवारें टूटी हुई हैं। और बाद में इनको चाहिए कि इनके आउटसाइडर रुके। और अगर आउटसाइडर की बात है ना, जीडीसी हीरानगर परेड कॉलेज जम्मू चुनी से कोई आउटसाइडर जा नहीं सकता बिन विदाउट परमिशन, और इनसे कॉलेज नहीं रुकते, इनके अंदर आके टीचर मार के चले जाते हैं। और रही बात सबसे बड़ी यूनिफॉर्म, कहते हैं आपको स्टूडेंट को कैसे पहचानेंगे, आप प्रोफेसरों के भी यूनिफॉर्म अलाउड करो, क्योंकि 5 फुट के टीचर है 6 फुट के स्टूडेंट है। हमारे साथ ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी 6 फुट हाइट 2 फुट हाइट है, और टीचरों की हाइट कितनी 5 फुट, ये बात नहीं चलेगी। जहाँ तो आप टीचरों की यूनिफॉर्म लौट करो, फिर हम डेली पहन के आएंगे, ये बात है हमारे। क्या देखते हैं जब एडमिशन ओपन होती है तब इस तरह की बात कही जाती है? इनको तब नहीं याद आती, इनको जात पता कब आती है, जब इनको पता चलता है भाई 5th सेम है, भाई 3rd सेम है, हाँ इनके पेपर अगले मंथ है, भाई पढ़ना है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने पैसे कमाने तो कैसे कमाने, बच्चे के पास पैसे भी जाने चाहिए ना। अरे भाई कोई फंक्शन करो ऑर्गेनाइज, चलो भाई टीचर आते नहीं, महीना इनका ऑर्गेनाइज स्टाफ रूम, अभी क्लास आधी टूटी हुई है, उनको कहते हैं अब क्लास क्या बोलते हैं ठीक हो रही है, अब इसको क्या करो कल आना क्लास लगाने, कल टीचर नहीं आ रहे, ये बात नहीं होती ना सर। बच्चों को फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों को फ्यूचर के साथ। हाँ टीचर हमको पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो, जो उनके रिलेटिव है उनको अंदर बैठा रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चलूँ ना, मैं आपको 100 बच्चा से दिखाऊंगा जो अंदर विदाउट यूनिफॉर्म बैठे हुए हैं, उनकी भी बात अलग है ना। सर एक बात था ना, आपको कॉलेज की तरफ से आईडी कार्ड इशू नहीं है, मतलब कि यूनिफॉर्म की तरफ से जो है वो पहचाना जाएगा कि कौन कॉलेज का स्टूडेंट है। सर ऐसे तो आप भी कल आपको जी यूनिफॉर्म पहन के आगे आपको कौन रखेगा, वो तो कहेगा स्टूडेंट है। अभी आईडी कार्ड इशू नहीं किया, नहीं इशू हुए हैं, वही तो मेन दिक्कत, जो सही पहचान है आइडेंटिटी कार्ड वो नहीं इशू किए गए, यूनिफॉर्म से पहचाना जा रहा है कौन कॉलेज का स्टूडेंट है। तो सर ऐसे को मैं इस लड़के को बोलूं भाई अभी तो यूनिफॉर्म पहन के जाओ, इसको 2 मिनट में अंदर कर लेंगे, ये बात खुली ना आपकी सर। और जब मैंने बात उठाई ना, मेरे को एक सर बोलता तू इनकी लीडरी कर रहा है, क्यों भाई मैं खज्जल हो रहा, मैं अपनी लीडरी ना करूं अब। तो फिर आपने सर को नहीं कहा कि आप भी जो है प्रशासन की तरफ से लीडरी कर रहे हैं? सर कहते हैं कि देखेंगे आपको बाहर चलो, ऐसी बात नहीं होता सर। इनका टाइम टेबल देखो, 9 बजे इनकी पहली क्लास लगती है, फिर फ्री, फिर इनकी 11 बजे क्लास लगेगी, फिर 11:40 तक लगेगी, उसके बाद 12:20 पे लगाएंगे, उसके बाद 2 बजे लगाएंगे। जैसे इनको पता है हम तो अपने आईसी में बैठेंगे, हमारे पक्खे नहीं चढ़ रहा, कोई पक्खा टूटा हुआ है, कोई डेस्क टूटा हुआ है, हम कहाँ पे जाएंगे। सही तरह से